हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वैक में। जैसा कि आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल टेक टू वैक है और इस चैनल के माध्यम से आपको ग्राम पंचायत और उससे संबंधित पोर्टल की जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स नरेगा से रिलेटेड। और नरेगा से संबंधित फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि नरेगा में जब हम कोई भी वेज लिस्ट जनरेट करते हैं तो APBS वाली जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम सबसे पहले हमें जो है वो देखने को मिलती है। इस प्रॉब्लम की वजह से फ्रेंड्स हमारे जो मस्टर है वो उनकी वेज लिस्ट जो है वो जनरेट नहीं हो रही है और पेमेंट करने में फ्रेंड्स काफ़ी प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो आज का बेसिकली वीडियो है फ्रेंड्स PM आवास के मस्टर से संबंधित। यदि PM आवास के आपके मस्टर हैं और उनमें APBS की समस्या आ रही है फ्रेंड्स, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे और उनको मस्टर को आप कैसे वेज लिस्ट जनरेट करके सेंड करेंगे। और जितने भी श्रमिकों में ये प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप वेज लिस्ट वाले ऑप्शन पे करते हैं क्लिक और जनरेट वेज लिस्ट फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप यहाँ से प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जब आप वर्कोड सेलेक्ट करके पेमेंट वेज लिस्ट जनरेट करने के लिए प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स, तो APBS वाली प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जिस प्रकार हमारे यहाँ पर आप देखेंगे चार जो है वो वर्क ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनमें यहाँ पर वेज लिस्ट जनरेट करने हमारी बाकी रह गई है। तो इनमें वेज लिस्ट जैसे जनरेट करते हैं फ्रेंड, जैसे मैं आपको यहाँ पर ये लास्ट वाला वर्क है, इस पर आपने चेकबॉक्स किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन से आपने चेकबॉक्स किया और अब आप इस जनरेट वेज लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम जनरेट वेज लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जनरेट वेज लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। जब हम जनरेट वेज लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर वेज लिस्ट जनरेशन वर्कर आधार सोड भी APBS इनेबल्ड, यानी कि APBS का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। यानी कि जो पेमेंट है फ्रेंड्स वो आधार बेस्ड पेमेंट होगी और इसी ब्रिज को क्रॉस करके फ्रेंड्स पेमेंट होगी। यदि आपका अकाउंट नंबर जिस भी श्रमिक का यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि इस श्रमिक का अकाउंट फ्रेंड्स NPCI या DBT से लिंक नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर वेज लिस्ट जनरेशन, यानी कि वेज लिस्ट जनरेट करने के लिए श्रमिकों का आधार APBS इनेबल्ड होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी यहाँ पर वेज लिस्ट जनरेट होगी। और ये APBS इनेबल फ्रेंड्स तुरंत नहीं होता, लेकिन तो आपको करना ये होगा फ्रेंड्स कि इन श्रमिकों को अब आपको एबसेंट करना होगा, फिर से वेज लिस्ट जनरेट करनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस फोर्थ नंबर वाले वर्क पे जो है वो वेज लिस्ट जनरेट की थी और ये दो लोग इसी वर्क के हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें हम एबसेंट करेंगे फ्रेंड्स। तो आप इसे एबसेंट कैसे करेंगे, तो हमने इस वर्कआउट को चलिए कर लिया है कॉपी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इस होम वाले ऑप्शन पे जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम होम वाले ऑप्शन पे चलते हैं। होम वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पूरा इंटरफेस ओपन होके जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे फ्रेंड्स, यहाँ पर D6 वाले मस्टर रोल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। यदि आप हमारे वीडियो में चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, मस्टर रोल एंट्री में आपको एक एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मस्टर को एडिट वाला। तो सिंपली आपको यहाँ पर आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और जो भी हमने यहाँ पर से बारकोड जो है वो कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पर से कर दिया है पेस्ट। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो बारकोड कॉपी करके लाए थे फ्रेंड्स उसको हमने कर दिया है यहाँ पर पेस्ट। उसके बाद कहीं भी खाली जगह पे आप टिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये बारकोड फ्रेंड्स सर्च ले लेगा। उसके बाद पूरी कार संहिता उसकी, यानी कि बारकोड जाएगा, पूरे बारकोड को आप कर लेंगे सेलेक्ट। वर्कआउट सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स, मस्टर रोल संख्या वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको इस मस्टर रोल संख्या वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उस वर्कोड में जितनी भी मस्टर जो है वो पेमेंट हुई होगी फ्रेंड्स, या फिर पेमेंट हो गई होगी, तो वो सारी मस्टर आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट वाली मस्टर पर क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट वाली मस्टर पे क्लिक कर लिया फ्रेंड्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं पूरी वेज लिस्ट जनरेट करके पेमेंट के लिए सेंड करके आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर हमारे में ये एक नाम के व्यक्ति हैं फ्रेंड्स, इस श्रमिक और इस दो श्रमिकों के जो है वो इसमें प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर आ रही थी फ्रेंड्स APBS की। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ग्रीन कलर का एडिट वाला ऑप्शन है, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप ये चेकबॉक्स है, इसको ऑल करके एक बार फिर ऑल करेंगे। यहाँ पर आप सभी जीरो करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप सेव करेंगे। तो चलिए हमने जीरो करके सेव कर दिया है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे हमने जिन श्रमिक को यहाँ पर
सेलेक्ट किया था, अब उसकी पेमेंट जो है वो यहाँ पर जीरो हो गई है। इसी प्रकार आप यहाँ पर इस सिरेमिक को भी कर लेंगे। ग्रीन कलर पे एडिट वाला ऑप्शन कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, एकदम लेफ्ट साइड पे, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे इन सभी बॉक्स को आप अनटिक करेंगे, यानी कि इन पर क्लिक करेंगे फिर क्लिक करेंगे तो ये अनटिक हो गए फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहाँ पर इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अब हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने फ्रेंड्स इन दोनों को इस पर्टिकुलर मस्टर से डिलीट कर दिया है इनकी पेमेंट को। उसके बाद आप हम सेकंड मस्टर पे भी इनको जो वो एबसेंट कर देते हैं फ्रेंड्स, जिस जिस श्रमिकों में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स इनमें जो वो नहीं आ रही है प्रॉब्लम। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फिर से आप होम वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो चलिए हमने होम वाले ऑप्शन पर कर दिया है क्लिक। इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से आपको अब फिर से इस D7 बेज लिस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इसके बाद आपको फिर से जनरेट बेज लिस्ट फॉर पेमेंट फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एजेंसी में आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये प्रोसेस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इस प्रोसेस वाले ऑप्शन पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारी ये फोर्थ नंबर की जो बेज लिस्ट फोर्थ नंबर का वर्क था फ्रेंड्स, इसकी बेज लिस्ट अब हमें जनरेट करना है। तो इस बॉक्स को आप यहाँ पर देखेंगे चेकबॉक्स, इस बॉक्स को टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्यू बेज लिस्ट वाले ऑप्शन पे आपको कर लेना है क्लिक। तो चलिए अब हमने व्यू बेज लिस्ट वाले ऑप्शन पे कर दिया है क्लिक। इसके बाद आप देखेंगे फाइनली हमारी बेज लिस्ट जो है वो फ्रेंड्स जनरेट हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पर इस होम वाले ऑप्शन पर जाएंगे, होम वाले ऑप्शन पर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। बेज लिस्ट जनरेट करने के बाद पेमेंट के लिए सेंड करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे बेज लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऐड पेमेंट डिटेल्स टू वेज लिस्ट एंड सेंड वाले ऑप्शन पे आपको कर लेना है क्लिक। तो चलिए हमने इस वाले ऑप्शन पे फंड्स कर लिया है क्लिक। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का अगला इंटरफेस ओपन होकर जाएगा। क्योंकि अब आपको यहाँ पर से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ से 22-23 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी जनरेट वेज लिस्ट होगी फंड्स वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पर तीन वेज लिस्ट जनरेट है, तो हम एक एक करके तीनों को सेंड करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले फंड्स पहली वाली वेज लिस्ट को ऊपर टिक कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे EFMS वाला ऑप्शन है, इस पर आपको टिक कर लेना है। EFMS वाले ऑप्शन पे हमने टिक कर लिया है। इसके बाद आप देखेंगे सेंड वेज लिस्ट फॉर पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको सेंड वेज लिस्ट फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक। उसके बाद इस तरह से सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। इसी प्रकार एक एक करके आप सारी वेज लिस्ट को फ्रेंड्स इसी तरह से सेंड करेंगे। यहाँ पर दो EFMS वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम दोनों के बॉक्स को जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद सेंड वेज लिस्ट फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर से ओके वाले ऑप्शन पर कर लेंगे क्लिक। तो एक और फ्रेंड्स यहाँ पर वेज लिस्ट है, तो चलिए हम इसको भी सेंड कर देते हैं। EFMS वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेंड वेज लिस्ट फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप कर लेंगे क्लिक। तो इस पर भी हमने क्लिक कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड फाइनली हमारी सारी वेज लिस्ट जो हो वो पेमेंट के लिए सेंड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर सफलतापूर्वक इस लॉगआउट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक।